हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर कौशिक एडुकेटर। मैं आज आपको थोड़ा सा सीएसआईआर नेट का सिलेबस के बारे में और आपका रेफरेंस सीएसआईआर नेट का जो रेफरेंस बुक है लाइफ साइंस पेपर का, उसके बारे में आज आपको कुछ बताऊंगा। जैसे देखिए, मेरा आपका स्क्रीन का सामने दिखाई दे रहा है कि सीएसआईआर का जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप के लिए देखिए, पहला जो इसका 13 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसका फर्स्ट यूनिट है जो आपका है बायोकेमिस्ट्री, नंबर टू है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर थ्री फंडामेंटल प्रोसेस यानी कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, नंबर फोर है सेल कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग, नंबर फाइव पे है देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, फिर है आपका प्लांट सिस्टम फिजियोलॉजी, फिर है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद है इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी कि जेनेटिक्स पोर्शन, फिर उसके बाद है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स प्लांट्स बोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर उसके बाद है आपका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जिसमें आपका इकोसिस्टम भी आ जाएगा, फिर उसके बाद है आपका इवोल्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल यानी कि इथोलॉजी, और उसके बाद एप्लाइड बायोलॉजी, लास्ट वन आपका है मेथड्स बायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, ये जो सारे जो यूनिट है, जैसे पहले यूनिट वाइज मैं थोड़ा सा आपका जल्दी जल्दी रेफरेंस बुक का नाम बता दूंगा, उससे आपको बहुत सारा मदद मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं पहला बात करना चाहता हूँ कि देखिए बायोकेमिस्ट्री के लिए, बायोकेमिस्ट्री देखिए मेरे पास बहुत सारा बुक का यहाँ पर डाउनलोड किया है, ये सब सब सीएसआईआर नेट का बुक है। जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट जो बुक है फर्स्ट यूनिट के लिए, देखिए लेलिंजर प्रिंसिपल, देखिए आपका स्क्रीन पर आया है कि लेलिंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री नेल्सन कॉक्स का, इस किताब में आपको बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन पूरा आपका कवर हो जाएगा। देखिए फाउंड बाउंड स्ट्रक्चर कैटलिस्ट अमीनो एसिड पेप्टाइड्स यानी कि ये है आपका बायोकेमिस्ट्री का बुक, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको नेल्सन कॉक्स ही सफिशियंट है और कुछ बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिर देखिए आपका जो सेकेंड यूनिट है, यानी कि सेकेंड यूनिट का नाम है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका ब्रूस एल्बर्ट का जो एक किताब है, देखिए मैं आपको ब्रूस एल्बर्ट का किताब अब दिखा रहा हूँ, देखिए जी ब्रूस एल्बर्ट का किताब बहुत ही अच्छा किताब है, ब्रूस एल्बर्ट का देखिए ये वाला, इसमें से आपका सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि गॉल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम सब आपको यहाँ पर कवर कर जाएगा, मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द सेल यानी कि ब्रूस एल्बर्ट का, देखिए ये किताब बहुत ही अच्छा किताब है, देखिए इसमें सारे के सारे सिलेबस कवर किया है, देखिए इंट्रोडक्शन टू सेल, बेसिक जेनेटिक मैकेनिज्म, मेथड, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, सेल सोशल कॉन्टेक्स्ट सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, हम लोग का जो नेक्स्ट देखिए, जो हम लोग का नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट, जिसका नाम है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड की फंडामेंटल प्रोसेस, जिसके लिए मैं प्रेफर करूंगा आपको वाटसन का किताब है मॉलिकुलर बायोलॉजी, देखिए फिफ्थ एडिशन, देखिए मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द जीन फिफ्थ एडिशन वाटसन का, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपका सब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्प्लाइसिंग रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन सब के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस किया है, इस किताब में बहुत ही बढ़िया बुक है, लेकोपेरॉन ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन ठीक है, जेनेटिक कोड ये है मॉलिकुलर बायोलॉजी द जीन बाय पार्सल, फिर उसके बाद है देखिए नेक्स्ट यूनिट पर हम लोग जाएंगे, उस वो है आपका सेलुलर सेल सिग्नलिंग इम्यूनोलॉजी, देखिए सेल सिग्नलिंग के लिए आप ब्रूस एल्बर्ट का किताब उठा लीजिए, ठीक है, और इम्यूनोलॉजी के लिए आपको कूबी का इम्यूनोलॉजी लेना होगा, इम्यूनोलॉजी का जो पार्ट है टी सेल पी सेल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, इसके लिए आपको ये कूबी का इम्यूनोलॉजी देखिए बहुत ही बढ़िया बुक है, और कुछ अच्छा तरह से बोला गया है इस किताब पर। फिर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे
डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ गिलबर्ट को। सारा के सारे एनिमल्स प्लांट्स का जो डेवलपमेंटल ये बायोलॉजी है, एनाटॉमिकल ट्रेडिशन, लाइफ साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी, जीन डेवलपमेंट्स, ठीक है, सेल टू सेल रीजनरेशन, फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट, सब इसमें आपको कवर हो जाएगा इस बुक में। देखिए बहुत अच्छा बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए, एनिमल्स के लिए, स्पेशली एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के भी बहुत बढ़िया है। देखिए अच्छा तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है। और भी अगर आप उसके साथ और भी एक किताब पढ़ना चाहते हैं कि नहीं भाई हम पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी गिलबर्ट को छोड़ के और कुछ हम किताब पढ़ सकते हैं, तो एसेंशियल डेवलपमेंटल ऑफ बायोलॉजी, देखिए JMW Slack का एसेंशियल डेवलपमेंटल बायोलॉजी सेकेंड एडिशन, देखिए किताब का फ्रंट पेज, इससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे आपको देखिए एक्साइटमेंट डेवलपमेंट बायोलॉजी, कॉमन फीचर्स, मेजर मॉडल ऑर्गेनिज्म, ड्रोसोफिला के बारे में है, ग्रोथ, रीजेनरेशन, इवोल्यूशन के बारे में, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, स्टेम सेल्स, यहाँ पर भी आपका प्लांट का भी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आ रहा हूँ प्लांट फिजियोलॉजी पर। प्लांट फिजियोलॉजी पर आपका ये बुक में सब कुछ कवर कर, 23 जाइगर का प्लांट फिजियोलॉजी, 23 जाइगर का किताब, ये फ्रंट पेज है 23 जाइगर का, बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें आपका सब कुछ कवर, प्लांट सेल का जितना, देखिए आपको पहला पेज से हम दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, ये सब कुछ कवर कर जाता है यहाँ पर। पिक्चर का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर। एनिमल फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू एनिमल फिजियोलॉजी डॉक्टर यन के का बहुत बढ़िया बुक है। देखिए एनिमल फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, यन के का, ये फ्रंट पेज है, ठीक है। इसमें भी आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा, ये न्यूरॉन्स, नर्व सिस्टम, होम रिसेप्टर इफेक्टर्स, एंडोक्रेन सिस्टम्स, थर्मोरेगुलेशन, सर्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, ऑस्मोरेगुलेशन, सेक्रेटरी, रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। अगर आप बेटर इससे भी बुक चाहते हैं कि नहीं मैं और भी ज़्यादा कुछ पढ़ सकता हूँ, तो गैगन का ये वाला किताब मेडिकल फिजियोलॉजी, स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट के लिए, रिव्यू ऑफ द मेडिकल फिजियोलॉजी, विलियम एफ गैगन, ये किताब बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से। देखिए इसमें टिश्यू, नर्व, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में, सर्कुलेशन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स, न्यूरल, सब के बारे में यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, सब यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे अगर आपका इकोलॉजी का अगर आप बुक देखिएगा तो पीटर स्टिलिंग का बहुत ही बढ़िया है, ग्लोबल इंसाइट्स इकोलॉजी, ग्लोबल इंसाइट, देखिए फ्रंट पेज, पीटर स्टिलिंग, इकोलॉजी, ग्लोबल इंसाइट इन्वेस्टिगेशंस। इसमें आपको इकोलॉजी का हर चैप्टर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिससे देखिए थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, पॉपुलेशन, स्पेसिस, इंट्रोडक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोम्स, इकोसिस्टम इकोलॉजी, ओके। इसको छोड़ के भी आप SBS राणा का, जो इंडियन ऑथर है, SBS राणा का इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का किताब मिलता है, जो अमेजोन में आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, उसे आप खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। देखिए इवोल्यूशन बिहेवियर का स्पेसिफिक किताब आपका बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे रस्तों की पब्लिकेशन का, और आप एनिमल बिहेवियर का, रीना माथुर का एनिमल बिहेवियर, और डॉकिंस का एनिमल बिहेवियर भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और डाइवर्सिटी के लिए देखिए, डाइवर्सिटी के लिए आर्यन का बुक बहुत ही अच्छा है, एनिमल प्लांट डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम चाहेंगे कि जेनेटिक्स का पोर्शन पर, जेनेटिक्स के लिए मेरे ख्याल से
बहुत ही अच्छा बुक है आई जेनेटिक्स, आई जेनेटिक्स इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए आपको आई जेनेटिक्स का किताब पढ़ना होगा, यानी कि देखिए रसल, पीटर जे रसल का आई जेनेटिक्स मॉलिकुलर अप्रोच, बहुत ही बढ़िया किताब है मेरे ख्याल से। देखिए आई जेनेटिक्स का बहुत ही बढ़िया किताब, सब कुछ कवरेज में। आप अगर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना चाहते तो यहाँ पर देखिए जीनोमिक्स, डीएनए म्यूटेशन, डीएनए जेट, फंक्शनल कॉम्पिटिटिव जीनोम्स, फिर है मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्रोमोसोम बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सटेंशन डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक प्रिंसिपल, जेनेटिक मैपिंग, फिर यहाँ पर इस साइड पर जेनेटिक कैंसर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी आपको मिल जाएगा, यानी कि बहुत सारे न्यूमेरिकल जो आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हाँ वो सब पेडिग्री एनालिसिस यहाँ पर सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीटर रसल, अगर इसको पीटर रसल को छोड़ के अगर आप दूसरा किताब पढ़ना चाहते हैं जेनेटिक्स के लिए, कि और भी मैं जेनेटिक्स के लिए अच्छा किताब चाहिए, तो पियर्स का जेनेटिक्स एक कॉन्सेप्शनल अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिक्स एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, बेंजामिन ए पियर्स इंट्रोडक्शन में। देखिए जेनेटिक्स का बहुत ही अच्छा किताब है, बहुत कुछ यहाँ पर अच्छा अच्छा चीज़ सब लोग को पढ़ने को मिल जाएगा, ओके जेनेटिक्स के लिए पियर्स का किताब। नेक्स्ट आप लोग जेनेटिक्स के बाद नेक्स्ट आप लोग अगर यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट है अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी के लिए मेरे ख्याल से आपको बीडी सिंह का एक प्लांट ब्रीडिंग होता है उसको लेना पड़ेगा, बीएससी फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, वो अप्लाइड बायोलॉजी जो पोर्शन है फंडामेंटल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आरएससी, हाँ ये बहुत ही बढ़िया किताब है, इसमें बहुत कुछ कवर हो जाता है। देखिए एसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन प्लांट्स, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमाटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, सेल कल्चर, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड, ट्रांसजेनिक प्लांट, क्रॉप इंप्रूवमेंट इन इंडिया, बायोटेक्नोलॉजिकल फॉरेस्ट्री, सिंथेटिक सेट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एंजाइम बायो एक्सेलरेटर्स, बायो सेंसर, बायो चीज, बायो पिल, बायो सर्फेक्टेंट्स, न्यूप्लाजिया, बायोटेक्निक एंटी माइक्रोबियल टेस्ट, यानी कि आपको अप्लाइड बायोलॉजी में 90% यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है अप्लाइड बायोलॉजी। उसके बाद आपका है मेथड्स इन बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी में वाकर विल्सन एंड वाकर का किताब बहुत ही बड़ा है। अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं कि उसका जो फर्स्ट पार्ट में है, यूनिट में जो फर्स्ट पार्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये वाला किताब बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, जिसका नाम है मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, जिसका नाम है आपका मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है बीआर क्लिक पास्टरनेक, इसका बहुत ही बड़ी अच्छा किताब मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग सब यहाँ पर देखिए कवर किया हुआ है। देखिए जीनोमिक्स, इंटरैक्टिव म्यूटेजेनेसिस, प्रोटीन इंजीनियरिंग, मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल सिस्टम्स, ठीक है बहुत कुछ है, मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, यूकेरियोटिक सिस्टम्स यहाँ पर कवर मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजिकल इथिकल इश्यूज, बायो इथिक्स, और एक बढ़िया किताब आपको हम बता दे रहे हैं कि टी ए ब्राउन का, देखिए ये अच्छा किताब है जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस, फिफ्थ एडिशन टी ए ब्राउन का, ये भी बहुत ही बढ़िया किताब, ये भी कवर कर जाएगा आपका होल सिलेबस का। देखिए द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जीन क्लोनिंग डीएनए एनालिसिस, ठीक है पीसीआर टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी अच्छा तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट का बात करेंगे कि बहुत सारा बायो इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, क्रोमेटोग्राफिक टेक्नोलॉजी के लिए, रेडियो इम्यून एसे के लिए, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी विल्सन एंड वाकर बेस्ट हो, ये तो मेरे ख्याल से बेस्ट हो, इसमें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा,
लीजिए, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, सेल कल्चर टेक्निक मिल जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन मिल जाएगा, माइक्रोस्कोप मिल जाएगा, मॉलिकुलर बायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जेनेटिक एनालिसिस, इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स, प्रोटीन मास स्पेक्ट्रम टेक्निक्स, इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफिक टेक्नोलॉजी, रेडियोआइसोटोप टेक्नोलॉजी, एंजाइम टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको ड्रग डिस्कवरी एंड कवर हो जाएगा, ठीक है आपका कंप्यूटर। तो दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, मैं ऐसे वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए